मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुर्गी फार्म कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल मुर्गी फार्म यानी कि लो कास्ट यानी बिल्कुल सस्ता मुर्गी फार्म कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो हमारा ये मुर्गी फार्म आपको दिख रहा है, हमारे मुर्गी एक बार बाहर निकल जाए फिर हम उनको मुर्गी फार्म के बारे में आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले आप मुर्गी फार्म बनाते हो देसी मुर्गी फार्म तो गांव या रोड या उनसे दूर बनाइए, बनाते हो रोड से थोड़ा सा दूर बनाइए क्योंकि गाड़ियाँ गुड़ियाँ चलती है तो मुर्गियाँ डरती है, तो रोड से दूर बनाइए, अलग थलग बनाइए यानी कि बस्ती से दूर गांव से थोड़ा दूर बनाइए क्योंकि उनकी अगर भीड़ से बदबू आए तो गाँव वाले या परेशान ना हो, दूसरा कोई परेशान ना हो। फार्म बनाते समय ध्यान रखें कि फार्म की थोड़ी ऊँचाई होनी चाहिए यानी बारिश के समय पानी बिल्कुल इकट्ठा नहीं होना चाहिए और गंदा पानी तो बिल्कुल आना नहीं चाहिए कहीं दूसरा कहीं भी, ऐसा ऊंचे बनाइए। अगर ऊंचा नहीं है तो रेत मिट्टी गर्दा डाल के और आप उनको हाइट दे दो थोड़ा। जब फार्म बनाते हो तो देख लो ये उसके नीचे छोटे छोटे ईंटें लगा दो, जैसे मैंने लगा रखी ना ईंटें छोटे छोटे चारों नीचे ईंट लगा दो, थोड़ा सा 2 फुट 1 फुट ज़मीन में 2 फुट 3 फुट ईंट लगा दो ताकि कोई नेवला या बिल्ली कुत्ता इसको खुचर ना ले, खुचर के खोद ना ले। देखो ये लगा रखा मैंने, ये तो फार्म मैंने बनाया सिर्फ देसी जोगाड़ से बनाया, ये कोई नया कुछ नहीं खरीदा मैंने, ये तो गेट है, ये मेरा पुराना गेट था वो लगा दिया, ये जाली थी मैंने कबाड़ी से ली, टीन शीट भी कबाड़ी से लिए, लोहे के पाए भी मैंने कबाड़ी से लिए, ईंटें में कुछ मोल लेके आया कुछ बाकी बिल्कुल ऐसे बनाया। 30,000 में मेरा पूरा रेडी हो गया उस टाइम, अब इसमें 1,000 मुर्गी आराम से रह जाए। फिर मैंने देसी जुगाड़ से अंदर देखो मैंने क्या किया, ये देखो ये टोकरियाँ टाकरियाँ रख दी, कुछ हलो बुलोग मिले कहीं उठा के ले गया, कहीं ईंटे में लिए, ऐसे करके मैंने ये देसी जुगाड़ से उनको ऊपर कर दिया और ये जो ये लकड़ बांध रखी मैंने कहीं पाइप मिला वो बांध दिया, ये बांध दिया, ये कर दिया, बिल्कुल सस्ता यानी कि पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। लकड़ को ये मुर्गियाँ ऊपर बैठती है, देसी मुर्गे कभी भी नीचे नहीं बैठते हैं, आपको पता है कि देसी मुर्गियाँ होती हैं ना कभी नीचे नहीं बैठती हो, ऊपर ही बैठती है, नीचे बैठने से उनके पैरों में घुंघरू जाते हैं, रात के समय ये ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं तो ये किस बैठते हैं। ये छोटा लोहे का पिंजरा के कबाड़ी से लिया मैंने तो मुर्गियाँ कंडम हो जाती है, थोड़ी बीमार हो जाती है, उन पिंजरे में अलग डाल उन्हें डाल रखी है मैंने, मुर्गी से थोड़ी चोट लग गई, ये मुर्गी अंदर एक अंदर घूम रही है पता नहीं क्या, ये पानी के डंकर मैंने ऐसे लाया तो फिर ये छोटे छोटे मैंने अंदर और मकान बना दिए जिसके अंदर ये मुर्गियाँ अंडे भी दे देती है और बच्चे भी मैंने निकाल लिए, अभी मैंने बच्चों पर नहीं बैठा रखी है मुर्गियों को, इनके अंडे अंदर बच्चे हैं मुर्गी अंडे देती थी, टोकरियाँ है ऐसे सब्जी मार्केट से पड़ी थी मैं लेके आ गया था वो दे दी उसने टूटी तो इनमें भी मुर्गी अंडे देती है अंदर अंदर बैठ जाती है। ऐसे करके मैंने पूरे कबाड़ा से क्या है तो ये सीट तो कोई मैंने ये भी लोहे की सीट है कबाड़ी चली है, पाइप ऐसे कहीं कहीं पड़े मिल गए, ये मैंने फार्म बना दिया था उसे पेड़ के नीचे बनाया ताकि गर्मी के समय इन पेड़ में छाए रहे, देखो पेड़ दिख रहे नहीं, इन पेड़ को नीचे बनाया था गर्मी में छाए रहे, ये जो लोहे की जाली लगा दी मैंने हवा इधर से इधर निकल जाए, इधर लोहे की जाली है ना इसे मक्खी भी ना घुसे और ये जाली से हवा इधर से उधर पार हो जाए, दिख रहा ना हवा वो भी इधर जाली इधर जाली और सामने जाली है, सामने भी जाली लगा दी सारी पूरा जाली है। ठंड के टाइम में इनका पर्दा लगा देता हूँ, उसे वो जो घर में जो कपड़ा वपड़ा होता है वो बांध के पर्दा लगा देता हूँ, उसके बाद मैंने देखो ये पूरे पेड़ पौधे इनके सामने लगा दिए मैंने, ये देखो ये पेड़ पौधे लगा दिए, इन पेड़ पौधों से कई फायदे हैं, सबसे पहले मैं इन पेड़ों में पानी डालता हूँ नीचे तो मुर्गियाँ गर्मी के समय इन पेड़ के नीचे आके बैठ जाती है, इनके नीचे बैठ जाती है पूरी एक एक, पेड़ बड़े बड़े ही बहुत है उधर ही पेड़ बहुत है लेकिन कुछ इनके नीचे आके बैठ जाती है, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं वो खा लेते हैं, पेड़ों पर जो कीड़े लट लगते हैं लट वो मुर्गियाँ खा जाती है जिससे कि पेड़ों को लट नहीं लगती है, जो थोड़ी देर लट लगती नहीं उस चुल चुल के मौका दे के पूरा मुर्गियाँ बच्चे खा जाती है, तो पेड़ भी हो जाए, पेड़ के फल लगेगा हम खा लेंगे, पेड़ के पत्ते मुर्गियाँ खा लेंगे और उनके जो नीचे कीड़े मकोड़े मिले वो भी खा लें, तो ऐसे करके पेड़ भी हो जाए और उनके बैठने की छाया मिल जाए और कीड़े भी खा लें, ये डबल फायदा है। ये पेड़ मैंने लगा दिए, पेड़ लगाने से फायदे सबको पता है कि वातावरण बढ़िया रही है, हमारे देश के अंदर पेड़ों की कमी है, प्रदूषण बहुत हो रहा है लेकिन पेड़ इसलिए मैंने ये पेड़ लगाया, मैंने 20 पेड़ लगाए अभी तो कि हमारे तरफ पानी की कमी है। ये देखो जामुन का पेड़ है, ये हमारे राजस्थान बेर की झाड़ी है, बहुत अच्छे पेड़ लगते हैं मोटे मोटे, ये भी बेर की झाड़ी है, ये नीम का पेड़ पहले से लगा हुआ था कुदरती तौर पर लगा, ये देखो अनार लगी है छोटे छोटे अनार लगी हुई है, नहीं देखो ये अंजीर के पेड़ है उधर पर मैंने वो लगा दिए, ये देखो चीकू के पेड़ लगा दिए मैंने, ये देखो आम के पेड़ है,
बड़े बड़े ऐसे पेड़ लगाए, उधर नींबू के पेड़ लगा रखे हैं। तो पेड़ लगाने से क्या है कि इनको छाया मिल जाए और आराम से अपना बैठ भी जाए। फिर क्या हमने मुर्गों को क्या इस तरफ देखो, हम सब्जी बो रखी है तो यारी सब्जी, ये गर्मी के टाइम में इनके पत्ते अपने आप खाते रहते हैं देखो ये, और ये फ्री रेंज एरिया के अंदर घूमते रहते हैं जैसे कि ये लोग देखो ये। फिर हमने क्या इनको दो फेज बना दिया, एक फेज हमने जाली लगा दी, ये जाली दिख रही है ये जी जाली, ये जाली वहाँ से गेट से बाहर हो जाए, ये जाली लगा रखी है ताकि कभी दोपहर में बंद कर दें, गेट लगा रखा है इनके अंदर हम बंद कर दें। ये जाली हमारा इस पर पड़ी, हमने इसे डाल रखी है पेड़ों को, अन्य पेड़ जो जल गए थे ना गर्मी में उन पेड़ों की जाली है। ये देखो हम जगह जगह पानी के डिंकर लगा रखे थे, कभी अंदर दिख रहे हैं डिंकर, बाहर दिख रहे हैं। अभी बारिश का समय, हरा चारा है, हरा चारा बहुत खाते थे, उस तरफ चल गए दो, उधर ही घूम रहे थे मुर्गे पूरे, देखो ये घूम रहे हैं उस तरफ चल गए। हमने उधर भी जाली लगा रखी बिल्ली को ताज के अंदर ना आए, ये देखो वो घूम रहे हैं आराम से, ये देखो उस तरफ घूम रहे हैं पूरे एरिया के अंदर। हमारे हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनके अलग ही हमारा एक पहले का बाथरूम है उसके अंदर रखते हैं छोटे बच्चों को, हमारे छोटे बच्चे भी दिखते हैं ये इनके अंदर रखते हैं, ये बैठे लगी है। देखो ये देखो ये कुछ बीमार भी हो गए बच्चे, देखते हैं एक बार, ये तरबूज हमारे अभी खेत में लगे हुए, लाइकिन डालते थे खा लिए, वो दिन भर पूरे फ्री रेंज एरिया के अंदर घूमते रहते हैं। तो इसी प्रकार आप करने चाहते हो तो कर लो, ये तो हमारे झाड़ी की बेर की झाड़ियाँ लग गई पहले से ही, वो सात इनके पेड़ रहते हैं, सात इनके पत्ते बहुत खाते हैं, इधर बहुत पेड़ हरियाली है उनमें भी कीड़े मकोड़े पत्ते खाते रहते हैं, इधर फसल बो रखी है उनमें कीड़े आते हैं। कुल मिला के हमने बनाया तो अच्छी तरह से बनाया, जैसे आप बनाओ पहले इनको, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखो ये जाली लगा दी चारों तरफ, बकरा फार्म हमारा ही है, इस तरफ जाली लगा दी, बिल्ली कुत्ता अंदर नहीं आए, और झाड़ी भी लगा दी जल्दी से। ऐसा आप भी ये कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी में आते हैं, देख सकते हैं हम। तो ये थी छोटी सी जानकारी आपको, कैसे लगी हमारा, कैसे लगा मुर्गा फार्म। बच्चे भी अभी इनको एक बार ठंड लग रही है, बाहर निकालेंगे, सर्दी भी लग रही है इनको, तो इस प्रकार बाहर आ जाते। तो ये बाहर इधर हमारा ये तो दिखा रहे हैं बाहर, मकोड़ी खा रहे हैं, देखो दो ये हमारे मुर्गे हैं, बड़े असील मुर्गे, पूरे देसी मुर्गे, ऐसे मुर्गे कभी किसी को मिलना है मुश्किल है। ये देखो देखो ये मुर्गे, तो ये छोटी सी जानकारी थी कि कम खर्च में मुर्गी फार्म कैसे बनाया जाता है। देखो ये मुर्गे असील मुर्गे है, पूरे असील मुर्गे पांच वैरायटी के होते हैं, वो काला अलग है, ये अलग है, ये अलग वैरायटी का, एक दो ये आ गया, ये अलग है,
बच्चे अभी मुर्गियाँ भी मुर्गे झुंड रहे बच्चे अभी।